है कि अभी वहाँ हाईवे बना है तो वहाँ पे कुछ फूड का कुछ है नहीं, तो मैंने अभी पेट भर के खाना खा लिया। मैंने मैप को फॉलो करते हुए, आपको मैप परफेक्टली बता देगा यहीं से जाना है। तो देखते हैं कैसा है और क्या फील लेती हूँ मैं। टोल स्टार्ट शिरडी से यहाँ पे मैं 20 मिनट्स में आई हूँ। 1.5 या 2 आवर्स लगते थे शिरडी से वैजापुर आने को, अभी मैं बस 20 मिनट्स में पहुँच गई हूँ। हम जाते हैं आगे, देखते हैं रोड कैसा होता है और जो वहाँ का जो नज़ारा है मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने के बाद दिखाती हूँ। जैसे पता हुआ है उसे हम समृद्धि हाईवे से अभी जाएंगे। लेट्स गो गाइस। मैं तो हाई स्पीड में गाड़ी चलाऊंगी यहाँ पे। मैं 120 तो लिमिट है स्पीड। सो मैं देखते हैं कि मैं कितनी स्पीड तक चला सकती हूँ। मैं इतने मतलब इतना हाई स्पीड मैंने कभी चलाया नहीं है। सो ये इतना ऐसा हाईवे देख के मुझे तो डर नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं फील हो रहा। सो लेट्स गो गाइस। कि बनाने के लिए बहुत साल लगे हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आता अपने घर के संडास बाथरूम बनाने के लिए तुम लोगों को 1 साल 2 साल लगते हैं और इतना बड़ा हाईवे बनाने के लिए ऑब्वियसली इतने साल तो लगेंगे। मैंने 110 पार किया है, ये मैंने पहली बार इतनी हाई स्पीड पे गाड़ी चलाई है और जो कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। पर बीच बीच में से आए खाना काम किया है, किसने किया है पता नहीं। ये रोड के कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए थे, बाकी काम तो जबरदस्त है, पर ये बीच बीच का मैं ऐसा लग रहा है की करो। हाँ ऐसे मस्त एक सुंदर हॉट जैसी लड़की है तो दिखनी भी चाहिए बीच बीच में, है कि नहीं? तो दिखाओ। हाँ ये बस चीनी हथौड़ी से तोड़-तोड़ के काम किया है। तोड़-तोड़ काम करून घेतलंय असं वाटतंय जगू। सो मस्त बनवलाय हाईवे आगे, पर क्योंकि मैं बना रही हूँ वीडियो तो मैं थोड़ा स्लो चला रही हूँ। इस कार को जाना है आगे, तो अगर ओवरटेकिंग करना है तो ये लेन पर बोला है कि ये लेन से ओवरटेकिंग करना है। बीच में जो है वो 120 के स्पीड में है, ओवरटेकिंग की लेन वो है। सो ये बहुत ही सिस्टमैटिकली रोड बनाया है। सीरियसली ऐसा रोड मैं बहुत घूमी हूँ, सबको पता है। मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को, जो भी यूट्यूबर्स मेरे सब्सक्राइबर, सबको पता है मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत ट्रैवलर हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार से ही ट्रैवल करती हूँ। मेरा सबसे बड़ा ट्रैवलिंग का मतलब रोड ट्रिप का ब्लॉग है, फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली कौन नहीं बनाएगा इतना बड़ा और इतना खूबसूरत हाईवे पे। सो ये बहुत ही सिस्टमैटिकली है। मैं गोवा गई हूँ, मैं तिरुपति गई हूँ, मैं चेन्नई गई हूँ, मैं हैदराबाद गई हूँ, मैं बैंगलोर गई हूँ बाई कार से। सो ऐसे रोड मैंने कहीं देखे नहीं है इतने सिस्टमैटिकली और इतना हाई स्पीड। 120 किलोमीटर एकदम लिमिट है, आप थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार कर रही हूँ, 140 तक हो रहा है मेरा, बट मैं थोड़ा सा डर रही हूँ कि मैं इतने हाई स्पीड में पहली बार गाड़ी चला रही हूँ। बट 120 मेरा आज तक मतलब हाई फर्स्ट टाइम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुझे कभी नहीं लगा था, जब से मैंने कार सीखी है ना तब से मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतने हाई स्पीड में गाड़ी चला पाऊँ। बस ये बीच बीच में जो भी किसने भी हाई वाला काम किया है ना उसको मैं एक बार दिखा चाहूँगी। ये ऐसे उड़वा के होता है, वैसे गाड़ी होती है वो जो पूरा आता है बीच में। इंडिया में यार महाराष्ट्र में मस्त काम है। जो भी BMW है वो मैं ट्राई करूँ। कोई भी अगर औरंगाबाद आ गया, जैसे जालना आ गया, जो भी टाउन से बाहर एग्जिट करना है तो एग्जिट टोल है वहाँ पे। यार ये BMW में कार चलाने के वक्त ना सीरियसली BMW की कार के टायर बहुत प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। सो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अच्छे से कार चलाने कब मिलेगी, बॉम्बे में तो ठंडा मिलती नहीं है कभी, तो मुझे कब मिलेगी कब मिलेगी। तो ये मुझे अच्छा मौका मिला यार सीरियसली, ये लग्जरी कार यहीं पे चलाने के लिए मजा आता है और कहीं नहीं। मैं औरंगाबाद आई हूँ सिर्फ 40 मिनट्स में, मतलब समझो आपका कितना टाइम बच रहा है यहाँ पे। यार मैं थोड़ा वो ओवरटेक लेन में चली गई आपसे बात करते करते, तो थोड़ा मुझे वहाँ पे भी ध्यान देने दो क्योंकि मुझे देखना होता है आगे, नहीं तो ब्लॉग बनाते बनाते मेरा ही बन जाएगा। मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है। ओहो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ये मस्त है, इस कार से आने का मजा ही कुछ अलग है। मेरे थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। अभी यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं, अच्छा हुआ मैंने थोड़ा बहुत पहले खा लिया था, बट फिर भी मुझे अभी भूख लगी है। बट देखते अभी 3 घंटे बता रहा है घर जाने के लिए, तो 3 घंटे तक तो मैं मर जाऊँगी मैं। बट देखते कुछ दिख तो नहीं रहा है दूर दूर तक, क्योंकि अभी अभी बना है तो अभी स्टार्ट होगा, कुछ कुछ काम शुरू भी हो रहे हैं ढाबा का, इसका उसका, होटल्स का। तो चलो गाइस थोड़ा अभी रुकती हूँ मैं, थोड़ा पानी वानी पीती हूँ मैं और आगे बढ़ती हूँ। तो बाय बाय। पेट्रोल पंप भी स्टार्ट हो गया है, करीबन मैंने 4 से 5 पेट्रोल पंप दिखाया है। तो अभी मुझे एग्जिट लेना है यहाँ से, इस रोड से। तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट शिरडी को पे किया था फर्स्ट टोल, तो अभी मुझे एग्जिट टोल यहाँ पे पे करना है। ऐसे होता है, आपको कोई टोल वोल ज़्यादा यहाँ पे टोल है नहीं, बस एंट्री टोल और एग्जिट टोल है। बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली अब मेरा एग्जिट हो गया है। ये मेरा अभी जो भी मेरा एक्सपीरियंस था समृद्धि महामार्ग हाईवे का, बहुत ही अच्छा लाजवाब एक्सपीरियंस था। मैं आज तक मतलब बचपन से जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, मुझे 14 से 15 घंटे मैक्स टू मैक्स लगते थे, कभी कभी तो 24 आवर्स भी लगते थे, क्योंकि रात को अगर ट्रैवलिंग की तो बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। जो गाइस मोदी जी और गडकरी जी ने जो भी काम किया है ना, लिटरली लाजवाब है। जो भी मेरा पर्सनली, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत ही मैं बाय कार ट्रैवल करती हूँ, पर ये ट्रैवलिंग आज तक की मेरी ऑसम थी। इतने हाई स्पीड पे 120 के स्पीड है, इतने स्पीड चलाने के वक्त भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं हाई स्पीड पे हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अभी भी। और जो भी है महाराष्ट्र के लोगों को, और अपने मैं फार्मर की लड़की हूँ तो ऑब्वियसली फार्मर के लोगों को, ओके महाराष्ट्र के फार्मर को बहुत ही तरक्की होगी, काफ़ी उन्नति मिलेगी और काफ़ी मदद मिलेगी उनको अपना मतलब बॉम्बे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है। सो गाइज थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत awesome मेरा एक्सपीरियंस था। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। मैं तो साल में सिर्फ एक बार कभी ब्लॉग बनाती रहती हूँ, बट कभी एडिट करके मैं डालती नहीं हूँ, तो बस लाइक कर दीजिए, कैसा लगा वो भी दीजिए। और मैंने इतनी हाई स्पीड पे गाड़ी चलाई है तो उसका भी थोड़ा कमेंट अच्छे से कर दीजिए। तो बाय बाय।